सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी, और अगर उन्हें बेल नहीं मिलती है तो क्या दिल्ली की सरकार पर संकट है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों और अरविंद केजरीवाल के अपने ही मंत्री राजकुमार आनंद ने चिट्ठी लिखी है, संवैधानिक संकट की बात करते हुए बर्खास्त करने की बात कही है उसमें। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह चिट्ठी गृह मंत्रालय को आगे बढ़ा दी है। एक सुरक्षित फैसला और एक चिट्ठी के बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का भविष्य है। फैसला जो सुप्रीम कोर्ट को अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनाना है, और चिट्ठी जो राष्ट्रपति ने बीजेपी विधायकों की मांग के बाद गृह मंत्रालय को भेज दी। इसी के बाद 5 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री की सरकार को लेकर सवाल उठने लगा, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। पूरी अराजकता का माहौल है और इस समय मुख्यमंत्री जेल में है और जेल से कोई सरकार नहीं चल रही है। ये प्रेसिडेंट जोन घोषित करो ना, आपकी तारीख आतिशी कह रही है, कल तारीख घोषित करो। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। हमारे मेमोरेंडम को गृह सचिव के पास भेजा है। उनको 4 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है या 4 महीने पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है। 30 अगस्त को ये चिट्ठी बीजेपी के 8 विधायकों ने और केजरीवाल के पूर्व मंत्री राम कुमार आनंद ने दस्तखत करके राष्ट्रपति को भेजी है। इन सब ने केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। वजहें ये गिनाई कि दिल्ली में सरकारी कामकाज ठप है, सरकार जरूरी फैसले नहीं ले रही, सीएम केजरीवाल जेल में है, जरूरी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पा रहे, दिल्ली के 6ठे वित्त आयोग का गठन नहीं हो सका जो 2021 में होना था, एमसीडी को पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा, कि संविधान के आर्टिकल 243(1) और 243(1) का उल्लंघन है, सीएजी की 11 रिपोर्ट्स को सरकार ने विधानसभा में अब तक टेबल नहीं किया है, दिल्ली जल बोर्ड पर चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दी वो विधानसभा में नहीं रखी गई, साथ ही दिल्ली सरकार केंद्र की योजनाओं को जानबूझकर रोक रही है। आयुष्मान भारत योजना में दिल्ली को 2,406 करोड़ रुपए मिले, उसे दिल्ली सरकार लागू नहीं कर रही। बीजेपी विधायकों ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति को कहा कि केजरीवाल सरकार अब बर्खास्त कर दीजिए। राष्ट्रपति ने 6 सितंबर को इस बारे में गृह मंत्रालय को चिट्ठी आगे बढ़ा दी। इसी के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर चोर दरवाजे से सरकार गिराने की बात कहने लगी और बीजेपी से चोर की दाढ़ी में तिनका बताने लगी। मैं तो भाजपाइयों से खुलेआम कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये दिल्ली की बीजेपी और मोदी जी को तय करना है कि उनको 4 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है या 4 महीने पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है। ये प्रेसिडेंट जोन घोषित करो ना, आपकी तारीख आतिशी कह रही है, कल तारीख घोषित करो। हम कहाँ पीछे हैं। राष्ट्रपति जी को दिल्ली के हालात के बारे में पूरा ब्यौरा दिया, एक मेमोरेंडम सौंपा और हमने कहा कि दिल्ली में गवर्नेंस पैरालिसिस है, मुख्यमंत्री जेल में है और जेल से कोई सरकार नहीं चल रही है, कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही है, 5 महीने से दिल्ली के असेंबली का सेशन तक नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके, अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। सियासी बयानबाजी के बीच आप जानिए आगे क्या हो सकता है। अब आगे गृह मंत्रालय दिल्ली के एलजी से रिपोर्ट मांग सकता है, एलजी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकता है। इसके बीच सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है जो कभी भी आ सकता है। अगर बेल मिल गई तो केजरीवाल बाहर होंगे और सरकार जेल से बाहर चला पाएंगे, अगर बेल नहीं मिली तो भी केजरीवाल अभी ऐसे ही जेल से सरकार चलाना चाहेंगे। गृह सचिव जो है वो निश्चित रूप से हम इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि वो इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, इस पर सरकार से सवाल जवाब हो सकते हैं और सरकार कटघरे में है, सरकार क्योंकि दोषी है, सरकार दिल्ली की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली में प्रशासन नाम, प्रशासन का अर्थ है एक भ्रष्टाचारियों का एक जमावड़ा, ये साफ रूप से दिखाई दे रहा है, और एक इनकॉम्पिटेंसी साफ रूप से दिखाई दे रही है।
आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए, इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। राजनीति के जानकार कहते हैं कि 6 महीने बाद जहां दिल्ली में चुनाव होना है, वहां राष्ट्रपति शासन लगने से केजरीवाल को ही नफा होगा, और तब नुकसान की राजनीति क्या बीजेपी करना चाहेगी।